गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलिए आप लोगों की तरफ से मैं अपने आप को टीका लगा लेती हूँ। हैप्पी होली है ना, थोड़ा सा कलर लगा लिया है। और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल हार। अपने आप को कलर लगा लिया खुद ही। तो फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं स्पेशल थाल। चलिए किनारे कर देती हूँ पहले। और अब मैं बना रही हूँ स्पेशल थाल आज होली की। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं, ये ले लिया मैंने पनीर, इसका बनाऊंगी मैं शाही पनीर। और ये ले लिया मैंने खीरा, छील लिया, कद्दूकस कर लिया है, कद्दूकस नहीं किया है, छील लिया है। और ये मैंने प्याज छील ली ढेर सारी, ठीक है। और एक बनाऊंगी मैं आलू बीन्स की सब्जी और रायता। और ये मैंने लौकी छील के रख ली है, अब इसको मैं कद्दूकस करती हूँ फटाफट। और ये मैंने मूंग की दाल, इसके बना रही हूँ मैं दही भल्ले। तो भल्ली आज स्पेशल थाल, उसका बता रही थी मैंने क्या क्या है। और ये मैंने टमाटर, लाल लाल टमाटर ले लिए, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारे उत्तराखंड में जब होली होती तो ये वाली साड़ी पहनी जाती है। कैसी लग रही है आपको? तो आज बहुत खुश हूँ, आज होली है तो बहुत खुश हूँ। मैंने अपने आपको कलर लगा लिया, टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। तो सभी लोग सो रखे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए तब मैं अपना फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। और पहले ये दाल बता देती हूँ, मूंग की दाल को बनाना है। आपके पास ना ये वीडियो दो पार्ट में आएगी, क्योंकि एक पार्ट में पूरी आ नहीं पाएगी होली की वीडियो, क्योंकि इसमें मैं होली खेलने भी जाऊंगी नीचे, तो उसकी भी शूट करूंगी थोड़ा वीडियो। तो आप दो पार्ट में देखेंगे इस वीडियो को, जरूर देखिएगा। पहली पार्ट में तो होगी स्पेशल थाल और दूसरे पार्ट में नीचे होली खेलने जाएंगे। तो कॉलोनी में ना होली खेलेंगे, तो अच्छा लगेगा सबके साथ होली खेल के, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, इसको सबके साथ मिलके बनाना चाहिए, है ना। तो चलिए इसमें मैं डाल देती पानी। ये मैंने ना पानी अंदाजन से डाल दिया, इसको भिगा देती हूँ और दो घंटे के लिए रख देती हूँ। दो घंटे नहीं, एक घंटे में हो जाएगा, हो जाएगी, बन जाएगी। 9 बजे शुरू करूंगी तो मेरा बन ही जाएगा। बाकी सारी तैयारी हो गई है, अब मैं फटाफट पहले ये काट लेती हूँ, ठीक है। और फिर आपको दिखाती हूँ, ये कद्दूकस कर लेती हूँ मैं, कद्दूकस कर रही हूँ। खीरा कद्दूकस कर रही हूँ ना, कद्दूकस। और इसको मैं ना अपने जो उत्तराखंड के स्टाइल में वो बनाऊंगी, राई दाल के, और उनावा जीरा और राई, हरी मिर्च, नमक, उसके साथ बनाऊंगी कद्दूकस लौकी, इसके कोफ्ते बनेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी लौकी कद्दूकस हो गई है, खीरा कद्दूकस भी हो गया है। और अब मैं काट रही हूँ आलू बीन्स, और अब मैं काट रही हूँ बीन्स फटाफट, फिर बनाते हैं। कि होली की स्पेशल थाल बन रही है, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ रायता खीरे का, और बना रही हूँ पनीर, शाही पनीर, कोफ्ते,
और बीन्स की सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी, दही भल्ले, मेरी आलू बीन्स कट चुकी है और अपने काटे पनीर, पनीर के ना मैंने ऐसे पीस चकोर काट लिए और इसको मैं ऐसे काट लूंगी ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप में। ये मेरे कट गए पनीर सारे, तो चलिए अब काट लेते हैं प्याज और टमाटर। जल्दी से मैंने दही ले ली है ना, इसको मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से। और फिर इसमें डालती हूँ खीरा जो मैंने कट कट किया है, और ये मेरा रायता हो जाएगा तैयार। खीरा मिला दूंगी इसमें, और अब इसमें डालूंगी ना राई और थोड़ा सा हल्दी, नमक, तो ये मेरा रायता तैयार हो गया। अब मैं इसमें राई और वो पीस के डाल देती हूँ, जीरा पाउडर। इसमें मैं पहले जीरा भून लेती हूँ। और ये ले ली मैंने राई, मिक्सी में पीस लेते हैं, मिक्सी में पीस के ना रायता में डाल लेती हूँ। और मेरा इसका काम भी हो गया, तो मैं डाल देती हूँ पानी की प्यास, तो पानी देती हूँ, पानी बीच बीच में ना पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, गर्मी भी हो रही है ना। मैं पानी पी रही हूँ बार बार, और ये मेरा जीरा भून गया है अच्छे से, अच्छा लग रहा है। ये ले लिया मैंने राई और जीरा, और ये दो हरी मिर्च डाल के इसको पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो ये पीस गया है, ये देखिए, तो इसको मैं मिला लेती हूँ रायते में, मेरा रायता तैयार हुआ था, तो इसको मिला लेती हूँ। अब ये हमारा कुमाऊँ पहाड़ी रायता तैयार है। ये आप जब भी आप नैनीताल जाओगे ना रास्ते पे, तो आपको वहां रायता पकौड़ी जरूर मिलती है, खाइएगा जरूर, टेस्ट करिएगा, बहुत टेस्टी रायता होता है, और उसकी जो राई की वो है ना, वो सीधे हमारी नाक में जाती है बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमारा रायता तैयार हो गया, अब मैं फटाफट ना सब्जी बना लेती हूँ, पनीर बना देती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं रख रही हूँ, मैंने तेल डाल दिया इसमें कढ़ाई में, अब रख रही हूँ आलू की सब्जी चढ़ा देती पहले। तो इसके लिए पहले मैं मसाले गरम ऑयल, और दूसरी मैं रखती हूँ कढ़ाई, और इसमें बना रही हूँ मैं पनीर का और कोफ्ते का मसाला। इसमें डाल दी मैंने घी और इसमें तेल, और ये मेरा तेल गरम हो गया है, और मैं इसमें डाल दी हूँ जीरा,
हल्दी और इसमें डाल दीजिए, हल्का फ्राई कर लेंगे। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हल्दी मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, और ये मैंने पीस लिए थे टमाटर, और इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे प्याज, और ये मेरी आलू बीन्स की सब्जी पक रही है, गैस से पकाती हूँ। और ये मेरा प्याज भून गया, हल्का फ्राई करूंगी मैं इसको, प्याज को, प्याज हो गया था फ्राई। मैं इसमें टमाटर डाल दी, मैंने काट लिए थे ना बड़े बड़े साइज के, और थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। अभी मैंने ना ये जो तो खड़ा मसाला है वो अभी मैंने डाला नहीं है, तो इसको जब मैं पीस के छौंकूंगी ना तब उसको मैं डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। प्याज देखिए मैंने ये कढ़ाई रख दी है, और इसको मैं कुक कर लूँगी और सर्व करती हूँ। और इसमें मैंने ये अभी भून लिया है अच्छे से, ऊपर जाएगा मेरे दोनों की ग्रेवी रेडी रहेगी। मेरे लिए ऑयल हो गया है गर्म, और सब्जी रेडी हो रही है। आई थी इधर तो मुझे कलर करके समझ गई, मेरा मोबाइल वहाँ पर लगा हुआ था तो मैं चूज नहीं कर पाई। तो कभी कभी ना ऐसे हो जाता है। तो चलिए एक हफ्ते के लिए रेडी हो गया हमारा ऑयल, बनाती हूँ।
टमाटर और प्याज डल गए हैं, इसको बंद कर देते हैं। इनको निकाल लेते हैं, फ्राई हो गए ना अच्छे से। मेरे कोफ्ते हो गए रेडी, तो अब मैं इनको छोड़ के पहले मैं ये जो मसाला बनाया था ना इसको पीस लेती हूँ। कढ़ाई में घी डाल दिया है, अब ये हो गया है गरम अच्छे से। और अब मैं इसमें ये जो खड़े मसाले थे इसका, पहले मैं पनीर बना रही हूँ पनीर, तो ये खड़े मसाले इसमें डाल लेती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हो गए हैं, और ये मैं डाल दी हूँ देगी मिर्च, और जो मसाला पीसा था ना मैंने मसाला डाल दिया, और आधा मेरे कोफ्ते में कमा लिया। और ये डाल दी हूँ टमाटो के चटनी, मैंने ले लिया है देखिए दो कटोरी आटा लिया है, दो कटोरी मैदा। अब मैं बना रही हूँ बटर नान बनाऊंगी ना, और ले लिया मैंने नमक मिक्स कर देती हूँ, और ये आटा और मैदे को भी मिक्स कर देती हूँ एक साथ ही, ये भी फूलेगा ना। और ये लिया है बेकिंग पाउडर अगर आप है तो आप डालिए, और नहीं तो पिंच उसको स्किप कीजिए। और ये मैंने लिया है इनो, और ये है ईस्ट, तो मैं इनो से नहीं डाल रही, मैं इनो नहीं बना रही हूँ। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इनो यूज कर सकती हैं। ये मैंने ईस्ट ले लिए, लगभग एक चम्मच ले लिए, और इसको मैं हल्का सा गर्म पानी, ये मैंने गर्म पानी कर लिया ना, इसको मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ। ये फूल गई है देखिए, अच्छे से फूल गई है। और इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको भून लेते हैं अच्छे से। इस तरह से ना जल्दी रेडी हो जाता है इसलिए। देखिए आटा गूंद गया है मेरा अच्छे से, और अब मैं इसको रख लेती हूँ इसमें देखिए, और ये अब सीधे डबल हो जाएगा आधे घंटे बाद। तो मैं इसको रख के रख लेती हूँ, फिर बनाती हूँ फटाफट।